हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बहुत सारी फैमिली को दिक्कत हो रही है, बहुत सारी फैमिली बाहर भी फंसी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप सभी से कहूँगा कि हम लोग सब लोग मिलके अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें और कॉपरेट करें। कुछ समय की और बात है, लगभग 2 मंथ के आसपास हो गया है और थोड़ा टाइम और लगेगा, बाकी धीरे धीरे बहुत सारे केसेस कम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉपरेट करें। और फ्रेंड्स, निकलना नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम, 2 मंथ के आसपास हो गया है घर में रहते हुए। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही चाहूँगा कि अभी जितना 2 मंथ के आसपास आप लोगों ने कॉपरेट किया है, तो और भी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते और थोड़ा सा कॉपरेट करें, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग है और हम लोग कोरोना वायरस से निजात पा सकें। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी मेरे पास कमेंट भी आ रही थी। मैंने एक इससे पहले एक वीडियो डाली थी जो कि सेकेंड हैंड कार परचेज करने से पहले किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, इन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड गाड़ी का नॉलेज नहीं होता, एक्साइटेड होते और जाके कार बाज़ार में या ब्रोकर के वहाँ जाके फंस जाते हैं, जो कि मतलब वो गाड़ियों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है, तो वो फंस जाते हैं। फिर अक्सर कहते हैं कि भाई सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारी बातें उसमें इश्यूज आ जाते हैं, इंजन को लेके, बॉडीज़ को लेके। तो फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे और काफ़ी कॉल्स भी आई मुझे, बहुत दूर थे, पुणे से, दिल्ली से, NCR से भी काफ़ी सारी कॉल्स आई, बहुत सारे लोगों ने बधाई भी दी। फ्रेंड्स, तो मैं यही चाहता हूं कि अभी जैसे कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किया, मैं कल देख रहा था कि सर, CNG और LPG में दोनों में क्या डिस्टेंस है और क्या ज़्यादा बेटर है और इनसे क्या नुकसान हो सकते हैं इंजन को और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हम सेकेंड हैंड कार परचेज कर रहे हैं तो CNG लेनी चाहिए या LPG लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहूँगा कि LPG और CNG कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इनके फ़ायदे और इनके नुकसान मैं आपको भी बताऊँगा कि इनके फ़ायदे और इनके नुकसान क्या हैं। फ्रेंड्स, कि CNG क्यों लेना चाहिए और LPG क्यों नहीं लेना चाहिए, और कितनी पुरानी गाड़ी होनी चाहिए जिसमें LPG लगा या CNG, तो वो नहीं ख़रीदना चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि 4 ईयर्स के आसपास अगर आपकी गाड़ी में CNG लगा हुआ है और 4 ईयर हो चुके हैं आपकी गाड़ी को CNG लगे हुए इंजन को यूज़ करते हुए, तो कहीं ना कहीं इंजन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक CNG कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही बताना चाहूँगा आप सभी को कि CNG और LPG में दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं CNG में और LPG में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, शूट करते हैं और बताते हैं आपको कि किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी, पेट्रोल। मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है, पेट्रोल। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये लगभग 2001 मॉडल है गाड़ी का और गाड़ी विल मेंटेन है, करीब 300 किलोमीटर पर डे चलती थी। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के वजह से ये गाड़ी घर पे खड़ी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका इंजन और इसके सारे पार्ट्स बहुत मेंटेन है। मैंने काफ़ी हद तक इसकी काफ़ी केयर कर रखी है और बहुत इसका मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत लकी गाड़ी है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, इसका 1000 CC का इंजन है और ये 4 सिलेंडर की कार है और जिसमें 5th गियर होते हैं, रिवर्स मिला के 6th गियर होते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कार परचेज करने से पहले, CNG या LPG। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है, आप देख रहे हैं, मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी, इसमें 4 सिलेंडर होते हैं, 4 पिस्टन, आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पिस्टन है ये, 4 सिलेंडर की गाड़ी है। फ्रेंड्स, 1000 CC का इसका इंजन है, ये पेट्रोल गाड़ी है, मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी, बहुत ही मजबूत गाड़ी है, बट अभी नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें लगी हुई है LPG और CNG। अभी क्या है, कुछ जगह ऐसा है कि LPG अप्रूव्ड है, CNG के पेट्रोल पंप नहीं हैं, और बहुत सारी जगह CNG के भी हैं, LPG के नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इसमें LPG की, ये इसको बोलते हैं किट, ये होती है LPG की किट। फ्रेंड्स, ठीक है, ये LPG की किट होती है और ये होता है LPG की वाल, जिसमें से गैस सप्लाई होता है। ओके फ्रेंड्स,
और ये जो पाइप होता है मेन पाइप, तो यहाँ से ये धीरे 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 कार्बेटर में जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये कार्बेटर में जाता है जहाँ पे एक फ्यूल की, जैसे ये पाइप जो है ये फ्यूल का है, आप देख रहे हैं पेट्रोल का, तो यहाँ इसकी सप्लाई जो है अंदर से बंद हो जाती है, एक स्विच होता है, आगे बताऊँगा मैं वो आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये LPG इस पाइप से इसमें जाती है और उसके बाद कार्बेटर में जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो टैंक है, वो करीब करीब 34 लीटर्स का है फ्रेंड्स, 34 लीटर्स का। जो हम इसको फुल कराते हैं तो करीब करीब 1600 के आसपास ये टैंक फुल हो जाता है, और लगभग उसमें करीब करीब 200 से 300 के आसपास किलोमीटर्स, 200 से 300 किलोमीटर गाड़ी चलती है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा किन किन ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में LPG CNG में आग लग जाती है, चलती चलती गाड़ियों में आग पकड़ लेती है, तो उसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसे तो कंपनी फिटेड जो होती है, प्लांट फिटेड होती है, कंपनी भी फिटिंग दे रही है LPG CNG, तो अक्सर किसी भी गाड़ी में आग लग सकती है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, चाहे LPG हो। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में आग ना लगे, हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, हमारी गाड़ी कभी रास्ते में खड़ी ना हो। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स किन किन बातों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरा ड्राइविंग स्कूल है, मेरा वर्कशॉप भी है, तो इसलिए मुझे काफ़ी नॉलेज है कार के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन किन ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं और फॉलो करते हैं तो शायद आपकी कार में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। CNG और LPG में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। CNG में इसका मतलब डीजल और LPG का मतलब पेट्रोल। CNG में इतना पिकअप नहीं होता है। CNG में क्या होता है कि CNG अगर आपकी गाड़ी में लगी होती है तो स्टार्ट गाड़ी जो होती है वो पेट्रोल से होती है और उसके बाद अपने आप CNG पे कनेक्ट हो जाती है। CNG में पिकअप बहुत कम होता है, बहुत ही कम पिकअप होता है पावर, और LPG में पिकअप बहुत ज़्यादा होता है, CNG के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। बट LPG में क्या है कि वो भी स्टार्ट पेट्रोल से होती है बट अपने आप वो LPG पे कनेक्ट हो जाती है। LPG का मतलब होता है जो घरेलू गैस होती है फ्रेंड्स, और ये इसके कुछ ऑथराइज पेट्रोल पंप होते हैं, जैसे लखनऊ के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज पे है, जानकीपुरम में ऑथराइज पेट्रोल पंप है, और एक आपका NH 24 पे है फैज़ाबाद रोड पे, अपना करीब BBD के आसपास, और थर्ड नंबर आपका जो है वो है आपका एयरपोर्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट नगर। तो लखनऊ में 3 पेट्रोल पंप हैं फ्रेंड्स इसके, बाकी CNG के बहुत सारे हैं, और पेट्रोल पंप से ही गैस भराना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर पे LPG वाला सिलेंडर पलटने लगते हैं, बट वो बहुत रिक्सी होता है, ऑथराइज नहीं है, अलाउ नहीं है, अनलीगली है वो। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें नहीं करना, वो काम हमें नहीं करना जो जिससे हमें नुकसान हो सकता है, कई सारे आपने हादसे देखे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे नंबर वन चीज़, अगर आपकी गाड़ी में LPG या CNG लगी तो कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी गाड़ी में टूल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या क्या आपको टूल्स अपने साथ रखने हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है इसका पाइप, मेन पाइप आपका ये आ रहा है, ये पीछे टैंक है इसका LPG का, टैंक पीछे लगा हुआ है, ये पाइप आ रहा है यहाँ से, ये इसको बोलते हैं वॉल। तो यहाँ से LPG ऐसे पाइप में यहाँ से आती, फिर आती किट के अंदर, ये है फ्रेंड्स किट, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे आती इनपुट, फिर ये आउटपुट, ये यहाँ से इसमें जाती कार्बेटर में, आप देख सकते हैं कार्बेटर में जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों की कार में मैंने देखा है कि LPG की स्मेल आती रहती है, लोग फिर भी उसको चलाते रहते हैं, तो कहीं नहीं आप लापरवाही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, अगर गाड़ी में आपकी कहीं से स्मेल आ रही है LPG की या पेट्रोल की, तो आप प्रॉपरली उसको रोक के चेक कर लें ताकि आगे के लिए जो हादसे होने वाले हैं उनको आप रोक सकें। तो फ्रेंड देखिए लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है। नंबर ये लीकेज हो सकता है यहाँ से और यहाँ से और एक यहाँ से और एक आपका यहाँ से, ठीक है। और बाकी ये सब पाइप बहुत इंपॉर्टेंट पाइप हैं और बहुत मजबूत पाइप हैं, लोहे के पाइप होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अक्सर फ्रेंड्स यहाँ से भी लीकेज हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको चेक कैसे करना है, आपको कैसे श्योर होगा कि आपकी गाड़ी में कोई लीकेज है, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि गाड़ी में LPG अगर आपने नई कार परचेज़ करी है और 4 ईयर आपकी गाड़ी में हो चुके हैं LPG या CNG पे, कम से कम वो 1 लाख के आसपास गाड़ी चल चुकी है, 50,000 से 1 लाख के आसपास कार आपकी चल चुकी है, तो आपको वो कार नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि होता है क्या है, पेट्रोल में जो होता है इंजन एकदम ग्रिविटी रहती है और सेफ रहता है, और CNG LPG पे चलने के बाद जो आपका स्लो रनिंग जेड होता है इसका कार्बेटर इंजन का, वो चोक हो जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद आपको प्रॉब्लम आने लगती है। और नंबर एक कि अगर आप CNG LPG पे चलाते हैं तो कोशिश ये करें कि सुबह जब गाड़ी निकालें तो कम से कम 5 से 10 किलोमीटर्स आप पेट्रोल पे चलाएं, चाहे गाड़ी में आपकी LPG लगा हो चाहे CNG लगा हो, 5 से 10 किलोमीटर्स आप LPG की बजाय पेट्रोल पे चलाएं।
तो उससे क्या होगा कि अर्ली मॉर्निंग जब आप कार अपनी निकालते हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपका जो गाड़ी का इंजन है वो एक बार पेट्रोल पे प्रॉपर तरीके से चल जाएगा, तो जो पेट्रोल में क्या होता है कि लिक्विड ऐसा होता है कि जिससे कि आपका इंजन पूरा क्लीन हो जाता है, जो कार्बन वार्बन लगा होता है वो पूरा क्लीन कर देता है, एक तरह से केमिकल का काम करता है, चोक क्लीनर का काम करता है फ्रेंड्स। और होता है क्या है कि जो गैस होती है, गैस से और पेट्रोल में बहुत फ़र्क। उसके बाद आप 10 किलोमीटर्स के बाद आप CNG पे या LPG पे कर लें, आपके इंजन की लाइफ बनी रहेगी फ्रेंड्स। लेकिन अक्सर लोग करते क्या है कि ज़्यादातर वो CNG और पेट्रोल पंप CNG और LPG पे ही चलाते हैं, थोड़ा सा कुछ पैसे बचाने के लिए। लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर धीरे कहीं ना कहीं इंजन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, मिसिंग करने लगती है गाड़ी, हेड चोक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ब्रदर आप कोशिश ये करिए कि सुबह जब कार को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप उसको पेट्रोल पे स्टार्ट करें और कम से कम 5 से 10 किलोमीटर्स आप पेट्रोल पे ही चलाएं, उसके बाद उसको CNG पे कनेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में आग ना लगे, कभी लीकेज ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैं कार ये स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने के बाद आपको बताऊँगा कि किस तरीके से लीकेज चेक करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये है मेरी कार और ये मैंने क्या करा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इसमें 2 स्विच आ रहे हैं और ये कहाँ पर LPG का स्विच लगा हुआ है, इसको बोलते हैं LPG का स्विच, हिंदी भाषा में बोलते हैं डिब्बी एक। तो इसमें पॉइंट होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी इग्निशन मैंने ऑन किया तो ये देख रहे हैं डिब्बी लगी है, ये भी LPG का टैंक मेरा फुल है, अब ये भी CNG पे है। अगर हम इसको पेट्रोल पे करना चाहें तो ये मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, तो अब ना ये पेट्रोल पे है ना CNG पे, कार स्टार्ट नहीं होगी फ्रेंड्स। तो इसको पेट्रोल पे करने के लिए मैंने ये राइट साइड कर दिया, देखो येल्लो लाइट जलने लगी, येल्लो का मतलब हो गया पेट्रोल, लेकिन मुझे करना ये CNG पे है, LPG पे सॉरी। तो ये LPG है फ्रेंड्स, तो इसमें इससे ये पता चलता है कि मेरी जैसे कि गाड़ी में कितना फ्यूल है पेट्रोल, तो इससे पता चलता है मेरी गाड़ी में कितनी LPG। अभी मेरा टैंक फुल है, 4 पॉइंट ये बिंदी आ रही है डैश डैश करके, तो इसका मतलब टैंक फुल है। अगर रेड लाइट आ जाती है तो इसका मतलब रिजर्व लग गया है, रिजर्व लगने के बाद करीब करीब आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चल सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने करना क्या है, इसको स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, ये मैंने की घुमाई और ये कार मेरी स्टार्ट हो गई हाफ सेल्फ में। आप देख रहे हैं इंजन इसका इतना ज़बरदस्त है कि हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है, ये सारी लाइटें आ रही हैं फ्रेंड। तो मैं आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है टूल में, अगर गाड़ी में CNG या LPG लगी, अदरवाइज़ नहीं भी लगी तो भी आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको भी बताता हूँ किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक सेकंड के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि कुछ ही टूल किट है जो मुझे आपको श्योर करनी है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे कार स्टार्ट हो गई है हमारी और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किन किन चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा रखनी चाहिए कार के अंदर। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये एक होता है फॉर्म। अब कार मेरी स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे हैं कार स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और ये LPG पे ही स्टार्ट करी है मैंने स्पेशली आपको बताने के लिए फ्रेंड्स। तो LPG पे स्टार्ट हुई है, अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मुझे लीकेज चेक करना है कि गाड़ी में मेरे कोई लीकेज तो नहीं है, मेरी गाड़ी में कोई लीकेज तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा फ्रेंड्स कि एक होती है बॉटल, ये एक बॉटल है, आप देखेंगे इसके अंदर एक उसका फॉर्म है, सर्फ का, शैम्पू का फॉर्म है, जो कि मैं अपनी हमेशा कार में रखता हूँ, हमेशा कार में इसको रखता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉर्म होता है, ये देखेंगे ये फॉर्म है, इसमें हमेशा मैं ये एक झाग बना के रखता हूँ। तो मैं आपको लीकेज के लिए कैसे बताता हूँ, आप देखिए जैसे कि ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये, अब मैंने झाग बना लिया, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इतना लगा दिया, यहाँ पे देखिए कोई लीकेज नहीं है, इससे हम चेक कर सकते हैं, हमेशा इसको अपनी कार में रखना है, इससे चेक कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर दूसरी ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे भी मैंने लगा दिया, कोई बुझे नहीं है, अगर छोटे छोटे बुझे टाइप के उठने लगे बबल टाइप के तो इसका मतलब लीकेज है। मैंने यहाँ पे भी इसको चेक कर दिया, आप देख सकते हैं कि कोई लीकेज नहीं है, नंबर वन। ये आपका यहाँ पे भी है, इसको भी मैंने चेक कर लिया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ से कोई लीकेज नहीं है, जो मेन पॉइंट होते हैं हम यहाँ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये तो LPG का, और दूसरी चीज़ ये है, एक आपका और पॉइंट है जो ये है जहाँ मेन है, हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप हमेशा अपनी कार में रखिए, छोटी सी डिब्बी के अंदर इसको रख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इमरजेंसी में आप कहीं जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, कहाँ पे साबुन मिलेगा, तो एक बॉक्स छोटा सा लीजिए जिसमें इसको हमेशा बना के रखिए, जिससे क्या होगा कभी भी आपकी गाड़ी में कोई लीकेज होता है तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड चीज़ ये तो फॉर्म की बात होगी, उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कोई लीकेज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। नंबर वन ये होता है टेपलाइन टेप, इसको बोलते हैं टेपलाइन टेप,
ठीक है, जो कि आपने देखा होगा वाटर लीक होने वगैरह पे, कभी भी इन सारी चीज़ों पे ये इस्तेमाल होता है। नॉर्मली कहीं से भी आपको 10 रुपीज़ का ये मिल जाता है, उसको टॉप लाइन टेप बोलते हैं। ये इस तरीके का होता है और ये इस ये देख रहे हैं इस तरीके का ये टेप लाइन टेप होता है। तो जहाँ से लीकेज होता है तो आप इसको लगा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, टूल किट होती है, टेप लाइन टेप हो गया, एक ही आपका इलेक्ट्रिक टेप हो गया, दो चीज़ें हो गई फ्रेंड्स। और उसके बाद और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक टेप लाइन टेप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टेप हो गया, और उसके बाद कुछ टूल किट है। जैसे कि आप देखेंगे नंबर वन, एक ये पेचकस है, 2-in-1 है, ये एक इस साइड से है और एक आपका इस साइड से, ये दोनों तरफ से काम करता है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टूल किट आपके पास होनी चाहिए। एक ये आपका प्लास होता है, कि कई बार हर एक जगह आपको वर्कशॉप या मैकेनिक नहीं मिल सकता। रात में अगर कभी आपकी कार प्रॉब्लम कर गई या फंस गई आप रात में 2 बजे या कहीं भी, तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ टूल किट होंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करके वर्कशॉप तक या अपने घर तक पहुँच सकते हैं। इसको बोलते हैं तोता वाला प्लास, और ये आपका है पेचकस डबल वाला। उसके बाद आ जाते हैं ये एक आपकी रिंच है 13 और 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ सारे आपके नट इससे लूज हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। उसके बाद एक छोटी ये है 10 और 19, फिर उसके बाद ये है एक आपकी ये भी 10 और 19। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड। उसके बाद आ जाते हैं हम एक आती किट, इसको बोलते हैं अलंकी किट। ये देखते हैं आप, इसमें बहुत तरीके की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही छोटी सी और है, तो ये होती अलंकी किट, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे अलंकी पॉइंट हैं, ये अलंकी पॉइंट हैं फ्रेंड्स, ये वाले ये देखेंगे, तो ये अलंकी इसमें लगती हैं। तो अगर कोई यहाँ से लीकेज है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से इसको नॉर्मली आप हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हैं, किसी भी वर्कशॉप से ले सकते हैं, मिल जाता है। तो ये ब्रदर कुछ पूछते हैं, इसकी वजह से मैंने आपको बताया। अब करना क्या है आपको, कि अगर सपोज करिए यहाँ से लीकेज है, यहाँ से अगर लीकेज है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये आपका रिंच लेना है, इसमें लगाना है। देखिए ये रिंच इसमें लग गया, इसमें लगाना है और ये लग गया। उसके बाद अगर इसमें से पहले तो उसको आपको टाइट कर देना है, अगर कोई लीकेज है, अगर लीकेज बंद हो जाता है फॉर्म लगा के चेक करो तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बंद होता है तो आपको ये फॉर्म ले ये टेप लाइन टेप लेना है, इसको खोलना है, इसको निकालना है बाहर खोलने के बाद। उसके बाद ये टेप लाइन टेप लगा के और अच्छे से इसको टाइट कर देना, उसके बाद फॉर्म लगा के चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं लीकेज है फ्रेंड। तो ये था जानकारी फ्रेंड। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि इसमें देखिए गाड़ी कई बार हीट क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर किट के अंदर इसकी कूलेंट की सप्लाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर कूलेंट की अभी हमने चेक कर दिया है तो कोई लीकेज नहीं है, तो कूलेंट की सप्लाई जाती है जो इसको कूल करती है। ये देख रहे हैं पाइप है, इसके अंदर कूलेंट जाता है, तो यहाँ से जाता है, उसके बाद ये इंजन से होता हुआ नॉर्मल ठंडा होके आता है। तो ये जब हीट हो जाता है तो इसके अंदर क्या है कि अगर ये हीट नहीं होगा तो इसके अंदर जो गैस की सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी, जम जाएगी, क्योंकि गैस बहुत ठंडी होती है, आइस का रूप ले लेती है। तो उसके लिए इसको गर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा, तो आपकी गाड़ी गैस पे नहीं चल पाएगी, झटके मारेगी, बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी LPG के बारे में, और इसी तरीके की फ्रेंड्स मैं वीडियो और बनाऊंगा, इसी तरीके की मैं एक वीडियो और बनाऊंगा फ्रेंड्स, जिससे कि CNG के बारे में नॉलेज दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था LPG के बारे में, और LPG की अक्सर हमेशा अक्सर ध्यान दीजिए कि अगर गाड़ी पुरानी है, 10 से 15 ईयर पुरानी गाड़ी है, तो CNG LPG लगी है तो आपको परचेज नहीं करनी है, क्योंकि उसमें फिर कुछ बचता नहीं है, इंजन आपका जो है पूरा डैमेज हो चुका होता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है फ्रेंड्स। अगर आपको अभी मैं इंजन ऑफ कर देता हूँ, काफ़ी देर से स्टार्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मैंने सही जानकारी आपको दी है तो फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ साथ एक बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। और फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर पसंद आती तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो उस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, नो इशू। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप सभी के प्यार की ज़रूरत है मुझे, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।